अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। फिलहाल इसराइल फलस्तीन जंग की चर्चा जारी है। आज भी हमास ने इसराइल के कई शहरों पर हमले किए। भारत का इसराइल को समर्थन भी बहस का मौजू रहा। वैसे भाजपा के ही अटल बिहारी वाजपेयी की फलस्तीन की हिमायत और इसराइल को जमीन खाली करने वाला बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फलस्तीन का इसराइल में घुसकर मोसाद की खुफिया रणनीति को नाकाम करने पर तमाम दुनिया के अखबारों ने सुर्खियां बटोरी। इसराइल के बढ़ते हमलों के मद्देनजर हमास ने भी धमकी दी के जो भी इसराइली फौजी बंधक बनाए गए हैं हर हमले पर ने जान से मार दिया जाए। इसी दरमियान हिजबुल्लाह, जो इस इलाके की सबसे बड़ी तरबियत याफ्ता फौज के तौर पर देखा जाता है, इसका शक्ति प्रदर्शन किया गया। हिजबुल्लाह लड़ाकों की तादाद 10 लाख बताई जा रही है। खैर, इस जंग का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तलबाओं ने फलस्तीन की हिमायत में रैली निकाली तो संघीय और हिंदुत्व सोच और फिक्र की जानिब से इसराइल के हक में रैली निकाली गई। ये भी अजीब मामला कहा जा सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबाओं पर मुकदमे दर्ज किए गए तो हिंदुत्व तंजीमें जिन्होंने इसराइल के हक में रैली निकाली इन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, और ये उम्मीद भी यही कर सकते हैं। एक और इत्तला के मुताबिक फलस्तीन की हिमायत में जो भी सहाफी खबरें या रिपोर्ट बनाता है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। आखिर किस इंतहा तक सच को दबाया जा और जालिमों की हिमायत की जा रही है। खैर, दिगर खबरों में एक अहम खबर आज की ये भी रही कि 5 रियासतों के चुनाव का ऐलान किया गया है। वैसे एक देश एक चुनाव हो सकता है ऐसा कयास लगाया जा रहा था, लेकिन 5 रियासत जिसमें मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव का ऐलान किया जा चुका है। कर्नाटक चुनाव के बाद भाजपा की गिरती साफ और मोदी योगी और दिगर भाजपाई जो महज हिंदू मुस्लिम ही को चुनावी एजेंडा बना चुके थे उनके लिए चुनौती कही जा सकती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हुकूमत बना सकती है ऐसा बताया जा रहा है, तो राजस्थान में कांग्रेस की जगह भाजपा जीत दर्ज कर सकती है और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा कयास सर्वे में निकाला जा रहा है। छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना में भी कांग्रेस को फायदा और भाजपा को नुकसान हो सकता है ऐसा बताया जा रहा है। लिहाजा फलस्तीन इसराइल जंग को लेकर एक बार फिर भाजपा हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि डूबने वाले को 3 के कसारा की तरह जहां भी मौका मिले मजहबी तशद्दुद को फैलाने की कोशिश की जा सकती है। लिहाजा मिजोरम में 7 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान 23 नवंबर और तेलंगाना में 13 नवंबर को चुनाव होंगे। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। कांग्रेस में 5 रियासतों के चुनाव को लेकर खासा जोश नजर आ रहा है, क्योंकि मोदी, योगी, अमित शाह जितने भी भाजपा स्टार नेता हैं इनके कई इजलासों में घटती भीड़ और राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को बढ़ती मकबूलियत के चलते भाजपाइयों के सांसें फूलती नजर आ रही है। इतना सच है, अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे यह हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है, तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है उनके, जो फिलिस्तीनी है उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। अब कुछ मकामी खबरें। आज बेलगाम में स्मार्ट सिटी को लेकर रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाते हुए इसमें मुलविस अफरादों पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा पेश किया। इस वक्त वजीर सतीश जारकवाड़ी भी मौजूद रहे। शुभम शेड़के, रमाकांत कुंडुस्कर, राजू टोपन और सुजीत मुलगुंड और दिगर लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। शिवाजी गार्डन से लेकर बैंक ऑफ इंडिया, पुराना पीबी रोड तक एहतजाजी जुलूस निकाला गया, जिसमें मुख्तलिफ तरक्कियाते कामों के नाम पर कैसे रिश्वतखोरी की गई इसके तफसीलात रखे गए। अपना सियासी रसूख इस्तेमाल कर अवाम को परेशानी के साथ ताकत का बेजा इस्तेमाल भी किया गया है ऐसा इस वक्त बताया गया। जाहिर है यहाँ पर दक्षिण के उस लीडर की तरफ इशारा किया गया था। साबिक गुड़ा कमिश्नर प्रीतम नसलापुरे भी इसमें मुलविस होने की बात कही गई। स्मार्ट सिटी के नाम पर काफी मोटी रकम हजम की गई है, यहाँ तक बिजली के खंभों में तक रिश्वतखोरी की दीमक लगी हुई है ऐसा बताया गया। एक खंभे में 40,000 रुपए गबन करने का इल्जाम लगाया गया। आखिर किस बुनियाद पर बेहतरीन स्मार्ट सिटी का अवार्ड दिया गया ये भी समझ से बाहर है ऐसा भी कहा गया। आइए देखते हैं कुछ मंजर। Come on!
सरकार के स्मार्ट सिटी अभिवर्गीबू विशेषवा अनावश्यक गोरण हाँ पक्षवाद्री तक परवा आदेश मे सो इन समग्रवा सारी अखिले कूड़ा स्मार्ट सिटी नम कॉर्पोरेशन बापुर का बैंक ऑफ इंडिया सर्कल से ओल्ड टीपी रोड में जो अनसाइंटिफिक एंड अनप्लान्ड जो रोड वाइडिंग काम किया है, हम लोग रोड वाइडिंग के खिलाफ नहीं है, हम लोग डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन यहाँ का जो काम हुआ है वो अनसाइंटिफिक काम हुआ है, डेवलपमेंट के हिसाब से काम नहीं हुआ है, लोगों को तकलीफ देने के उद्देश्य उन्होंने किया है। इसके पीछे बलगाम साउथ के एमएलए अभय पाटिल का इसमें कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट है। एमओयूएचएच्या अंतर्गत बेळगाव स्मार्ट सिटीला बेस्ट झोनल स्मार्ट सिटी म्हणून पुरस्कार मिळाला असं आम्हाला कळालं होतं आणि त्या माध्यमातून या भ्रष्ट स्मार्ट सिटीला बेस्ट म्हणून जो पुरस्कार मिळाला आहे त्याचा भोंगळ कारभार कुठेतरी या राष्ट्रपतींना कळाला पाहिजे, त्याच्यासाठी सर्वपक्षीय लोक त्या ठिकाणी आज इथं जमून निवेदन देत होती। 5 वर्ष म्हणजे ज्या वेळेला पहिल्या 100 स्मार्ट सिटीमध्ये बेळगावचं नाव आलं त्याच्यात जो पहिला रस्ता सँक्शन झाला होता मंडोळे रोड, अजूनपर्यंत तो रस्ता पूर्ण झालेला नाही आहे, त्यामुळं बेळगावच्या स्मार्ट सिटीला पुरस्कार मिळालाच पाहिजे, पण तो बेस्ट झोनल स्मार्ट सिटी नाही तर तो बेस्ट करप्ट स्मार्ट सिटी म्हणून मिळाला पाहिजे। एक बार फिर हिंडलगा जेल सुर्खियों में आ चुका है। हिंडलगा जेल 100 साल पूरे करते हुए कई सारे गैर कानूनी कामों का भी यहाँ पर तस्करा हिंडलगा जेल को लेकर किया जाता हुआ देखने में मिला। वैसे हिंडलगा जेल पनिशमेंट जेल कहा जाता है, लेकिन बड़े हाई प्रोफाइल कैदियों के लिए एक होटल की तरह कहा गया है ऐसा भी बताया जाता है। खैर, मरकजी वजीर नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी इसी जेल से दी गई थी, लिहाजा एक बार फिर हिंडलगा जेल, बेंगलोर जेल और रिहाइशगाह को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। टीपी शेष ने अपनी फरियाद बेलगाम ग्रामीण पुलिस थाने में दर्ज की है। 8 अक्टूबर को 4 बजे मुस्तकिल 3 बार फोन के जरिए धमाके से जेल को उड़ाने की धमकी दी गई। नामालूम शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, तफ्तीश जारी। रेशन कार्ड करेक्शन यानी नामों को कम करना या फिर नामों को दर्ज करना, मोबाइल नंबर एड्रेस के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया था। इतवार से शुरू इस काम में ज्यादातर सर्वर डाउन ही नजर आया, जिससे आवाम में नाराजगी देखी गई। गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत 2000 रुपए दिए जा रहे, लिहाजा रेशन कार्ड में गलतियों को दुरुस्त करना जरूरी हो जाता है, पर सर्वर डाउन की वजह से खवातीनों की भीड़ बेलगाम 1 कर्नाटक 1 ग्राम 1 सेंटर्स पर देखी गई और वक्त बढ़ा कर देने का मुतालबा आवाम की जानिब से किया जा रहा है। अब बेलगाम और खानापुर तालुकाओं को भी सूखा करार दिया गया। हाल ही में मरकजी वफद ने जायजा लिया था जिसमें शहर के तमाम आला अफसरान ने भी शिरकत फरमाई थी। पहली फहरिस्त में बेलगाम और खानापुर को सूखा मुतासिर की फहरिस्त से निकाला गया था, लेकिन अब फिर से बेलगाम खानापुर को इसमें शामिल किया गया। रियासत के और 11 तालुकाओं को भी सूखा की फहरिस्त में दर्ज किया गया। कुल रियासत के 237 में से 216 तालुकाओं को इसमें शामिल किया गया। एक वीडियो काफी दिनों से वायरल हो रहा है, तिलकवाड़ी के डीएचओ दफ्तर में यहाँ के मुलाजमीन कैसे शराब की पार्टी कर मौज मजा करते हुए देखे जा रहे हैं। वीडियो काफी वायरल हुआ है, इस पर जल्द कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया गया है। नम सिबंदी पार्टी माता सो पार्टी नम कैंपस गमन बंद कुलकुश्वर परशील क्रम तक सर ತಪ್ಪದು ಯಾವುದೋ ಯಾವ್ದೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಿಮೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಇದು ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿರೋದು ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಿದ್ವು ಸೊ ಇದನ್ನು ತಾವು ತೋರಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಮಲ್ನ ಖಂಡಿತವನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀವಿ ಸರ್। आज वजीर सतीश जारकिहोली और एमएलए आसिफ सेठ ने बेलगाम जिला अस्पताल का जायजा लिया और बीम्स में काम करने वाले डॉक्टर्स प्राइवेट अस्पतालों में भी काम कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें नोटिस दी गई है ऐसा भी बताया गया। आज बीम्स हॉस्पिटल के हॉल में तमाम आला डॉक्टरों की मीटिंग तलब फरमाई गई थी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का कायम जल्द अमल में आने वाला है कहा गया। सरकार मर्द
ಕಾಲೇ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಅವರ ಸಚಿವರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ರಾಜು ಅವರು ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಹಳ ಲಾಂಗ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಹೊರಗಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ನಮಗ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಡಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬೆಲಗಾಂ ಕಿ ಮಹಜ ದೋ ಸಾಲ್ ಕಿ ಆಯಶ್ ಶಹಬಾಜ್ ಜಮಾದಾರ್ ಕಾ ನಾಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮೇ ತೋ ದರ್ಜ್ ಹುಆ ಹಿ ಥಾ, ಪರ್ ಅಬ್ ಇಸ್ ಛೋಟೀ ದೋ ಸಾಲ್ ಕಿ ಆಯತ್ ಕಾ ನಾಮ್ ಲಂಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮೇ ಭಿ ದರ್ಜ್ ಕಿಯಾ ಗಯಾ, ಜಿಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಯತ್ ಶಹಬಾಜ್ ಜಮಾದಾರ್ ಕೋ ಮುಬಾರಕ್ಬಾದ್ ಪೇಶ್ ಕಿ ಜಾ ರಹೀ ಹೈ. वैसे देखा जाए तो पूरे बेलगाम जिले में ही कुत्तों का कहर बरपा हुआ है. देर रात घर जाने वालों को अपनी जान हथेली पर लिए जाना पड़ता है. पिछले हफ्ते में बेलगाम शहर में तकरीबन 7 लोगों को कुत्तों के काटने की वारदात पेश आई है. इसी तरह घटप्रभा में भी मटन मार्केट के पास छोटे बच्चे पर कुत्तों ने हमला किया जिसमें बच्चा शदीद जख्मी हो गया. गोकाक सरकारी अस्पताल में बच्चा जेर इलाज है. वालिदैन ने कहा कि किसी तरह हमने महंगे इलाज के जरिए बच्चे की जान बचाएगा. अगर किसी गरीब के बच्चे से इस तरह हादसा पेश आता तो कौन जिम्मेदार, लिहाजा कुत्तों को पकड़ने की मुहिम भी चलाई जा रही है ऐसा बताया जा रहा है. जो भी हो पर पूरे जिले में कुत्तों पर कार्रवाई जरूर है. वैसे भी आवारा कुत्तों से समाज को कुछ फायदा है भी नहीं इतना जरूर. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.